नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट के टी का श्रमिक तत्काल पहचान योजना के तहत पुरस्कृत। जल प्रबंधन विभाग में माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और दीपिका अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में कला और विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के ओर बेंडिंग एवं ब्लेंडिंग प्लांट में 15 नवंबर को आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह में महाप्रबंधक श्री ए मिश्र ने त्वरित पहचान के तहत मेसर्स अमृता इंटरप्राइजेस के 10 ठेका श्रमिकों को उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए पुरस्कार प्रदान किए। उप महाप्रबंधक श्री पी के दास, सहायक महाप्रबंधक श्री ए कारकुन, उप महाप्रबंधक श्री एस भांजदेव और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित ठेकेदार के साथ साथ ठेका श्रमिक इस अवसर पर उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री मिश्र ने पुरस्कृत ठेका श्रमिकों और ठेकेदार को उनके योगदान के लिए बधाई दी और उन्हें इसी उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उल्लेखनीय है कि मेसर्स अमृता इंटरप्राइजेस के 10 ठेका श्रमिकों ने जाम बंकरों से जाम सामग्रियों को निकालने जैसे सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। गौरतलब है कि मानसून के दौरान लौह अयस्क फाइल्स ट्रैप हूपर जाम सामग्री के कारण बंद थे। ठेका श्रमिकों की मदद से कंप्रेस्ड वायु पाइपलाइन को भूमि के नीचे तक बढ़ा दी गई थी। इससे कंप्रेस्ड वायु की मदद से हूपर्स के अंदर पार्किंग को सुविधाजनक बनाने में मदद मिली और डिस्चार्ज पॉइंट पर बंकर सफाई के लिए उच्च दबाव पंप भूमिगत किया गया। 15 दिनों के भीतर बंकरों को साफ कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ओबीबीपी ने 15 अक्टूबर को सर्वाधिक 556 वैगनों की अनलोडिंग की। 17 अक्टूबर को 608 वैगनों की अनलोडिंग से यह रिकॉर्ड फिर टूट गया। इससे माह में डेमोरेज की कमी में पर्याप्त सहयोग मिला। प्रारंभ में उप महाप्रबंधक कार्मिक सीएलसी एवं परियोजना श्री टीजी कार्नेकर ने इस योजना के संबंध में एक संक्षिप्त वितरण प्रस्तुत किया, जबकि ओबीबीपी के सहायक महाप्रबंधक श्री एकेपी बारला ने इस प्रयास के तहत किए गए कार्यों के विवरण को पढ़ा। ओबीबीपी के सहायक महाप्रबंधक श्री एससी महंती ने समारोह का संचालन किया। गौरतलब है कि तत्काल पहचान योजना नवंबर 2014 में प्रारंभ की गई थी और यह 35वां पुरस्कार वितरण समारोह था। इस योजना के तहत आरएसपी के विभिन्न विभागों के अब तक 229 ठेका श्रमिकों को पुरस्कृत किया गया है। जल प्रबंधन विभाग में 15 नवंबर को एक माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक प्रभारी WMD श्री एस पटनायक ने समारोह की अध्यक्षता की और विभाग के दो SOST श्री रघुनाथ गोप और श्री विकास राहको कमशय सितंबर एवं अक्टूबर माह के लिए पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर विभाग के कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। श्री पटनायक ने विजेताओं को उनके अनुकरणीय योगदान हेतु बधाई दी और उनकी निष्ठा एवं समर्पण भाव की सराहना की। उन्होंने दूसरों को उनका अनुकरण करने का आग्रह किया। सहायक प्रबंधक कार्मिक सुश्री संगीत सिंधु ने कार्यक्रम का संचालन किया। बाल दिवस के उपलक्ष्य में दीपिका अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में एक कला और विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। उप महाप्रबंधक नगर प्रशासन श्री पीसी दास इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। स्कूल के प्राचार्य डॉ. प्रमोद कुमार साहू, दीपिका अंग्रेजी माध्यम जूनियर स्कूल के श्रीमती अंजलि सतपति, सहायक महाप्रबंधक जनसंपर्क श्रीमती अर्चना सतपति और स्कूल समिति के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। गणमान्यों को प्रदर्शनी के चारों ओर ले जाया गया, जिसके दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के साथ उनकी परियोजनाओं के संबंध में बातचीत की और उन्हें उत्साहित किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री दास ने विद्यार्थियों को हर परीक्षा या प्रतिस्पर्धा में उनकी उपलब्धियों को पार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो उनके अनुसार सफलता के लिए निश्चित तरीका है।
जीवन और जीवन शैली से लेकर कई शिल्प प्रदर्शन विषयों के साथ 200 से अधिक विज्ञान परियोजनाएं जो रंगीन और जीवंत रंगोलियों के अलावा कला प्रेमी की खुशी हो सकते हैं। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।